औरत और मर्द की गुप्त कड़वी सच्चाई। नंबर एक, जिंदगी के तीन पड़ाव एक औरत कभी नहीं भूल सकती कि उसके साथ किया गया बिहेवियर कैसा था। एक, जब नई नई शादी हुई थी तब उसके साथ किया गया बिहेवियर कैसा था। दो, प्रेगनेंसी के टाइम किया गया बिहेवियर कैसा था। तीन, सबसे जरूरी डिलीवरी के बाद उसके साथ किया गया बिहेवियर कैसा था। नंबर दो, जरा सी बात पर ना छोड़ किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। नंबर तीन, भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। नंबर चार, पता नहीं कैसे किसी का पति बेस्ट हस्बैंड ऑफ द वर्ल्ड बन जाते हैं। किसी किसी का पति तो सिर्फ अपनी मां बहन का अंधभक्त होते हैं। नंबर पाँच, लड़का कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कभी यह नहीं कहता है कि हालात ऐसी कर दूंगा कि मजबूर होकर तुम खुद मुझे छोड़ दोगे। नंबर छह, हर पति को अपनी पत्नी की बात इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि पत्नियां अपने पति को भगवान मानती है और भगवान अपने भक्त के बस में होते हैं। नंबर सात, सत्य शुरू में आंवले की तरह कसैला लगता है मगर अंत में मीठा और स्वास्थ्यवर्धक होता है। नंबर आठ, अपनी अहमियत को उन आंखों में देखना जो तुम्हें पाने की खुशी से ज्यादा खोने से डरते हो। नंबर नौ, मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, क्या पता रुक जाए, लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो कभी मत रोकना क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। नंबर दस, कुत्ते की नींद, गिरगिट का रंग, मगरमच्छ के आंसू और लड़कों के आई लव यू पर कभी ट्रस्ट नहीं करना। नंबर ग्यारह, जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके बारे में अजीब बात यह है कि वह आपकी हर चीज पर नजर रखते हैं। नंबर बारह, प्रेम हर रूप में पवित्र होता है, बस वह प्रेम सही इंसान से होना चाहिए क्योंकि प्रेम करते तो सब हैं पर निभाते सब नहीं। रोजाना खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद। नंबर तेरह, सुनो, कभी अपनों के साथ धोखा मत करना, ये अपने ही होते हैं जो तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर सकते हैं, वरना गैर तो गलती का मौका देखते रहते हैं। नंबर चौदह, धन विहीन पुरुषों और स्तन विहीन स्त्रियों पर यह समाज ज्यादा ध्यान नहीं देता। नंबर पंद्रह, किसी विधवा स्त्री से इश्क करना बुरी बात नहीं, बल्कि उसे मौका दीजिए कि जिंदगी जीने को कहते हैं, घुट घुट के मरने को नहीं। नंबर सोलह, सच ही कहा था मुझे एक फकीर ने कि तुझे लोग अपना तो कहेंगे पर कभी अपना नहीं मानेंगे। नंबर सत्रह, खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लीजिए, अगर मोम जैसा नाजुक दिल लेकर फिरोगे तो लोग पिघलाकर चले जाएंगे। नंबर अठारह, गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे, यही सच है पर कड़वा है। नंबर उन्नीस, कोई किसी को दंड नहीं देता, आपका कर्म ही दूसरों पर सवार होकर आपको दंडित करता है। नंबर बीस, इतना महंगा भी ना समझ खुद को, हम गरीब लोग हैं अक्सर महंगी चीज छोड़ देते हैं। नंबर इक्कीस, सास ससुर बीमार हो तो बहू का फर्ज बनता है कि उनकी बीमारी और बुढ़ापे में सेवा करे, पर बहू की बीमारी, गर्भावस्था, हॉस्पिटल एडमिट होने पर भी ससुराल से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके लिए तो बहू का मायका है, वहाँ उनकी सेवा होगी, ससुराल में कौन करे। सास ससुर, आप भी अपने मायके जाया करो, वह चाहे बीमारी हो या बुढ़ापा, क्योंकि जब आपने उसकी उम्मीद पूरी नहीं की तो वह भी आपकी उम्मीद पूरी नहीं करेगी, क्योंकि उदाहरण तो अपने सेट किया, वह तो वही करेगी जैसा आपने दिखाया। नंबर 22, जो पति पत्नी एक दूसरे की खूबियों को खोजते रहते हैं वह सुखी रहते, लेकिन
जो एक दूसरों की कमियां को कोसते हैं वह दुखी रहते। नंबर 23, आजकल की प्रेमिका हमेशा बेहतर की तलाश में रहती है, जिससे वह बेहतरीन खो देती है। नंबर 24, अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। नंबर 25, 30 की उम्र से पहले यह सब कर लेना, एक खुद का एक घर बना लेना, 2 लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना, 3 माँ बाप की इच्छा पूरी कर देना, 4 दुनिया घूम लेना, 5 सारे कर्ज चुका देना, 6 एक करोड़ इन्वेस्ट कर देना। नंबर 26, इतिहास को फिर से दोहराना होगा, बेटियों को चांद नहीं जोधा लक्ष्मी बाई सा हुनर सिखाना होगा। यह कलयुग है, अब द्रौपदी को बचाने कोई मसूदन नहीं आएगा, खुद को बचाने के लिए इन्हें खुद ही अस्त्र उठाना होगा। नंबर 27, औरतों के बगैर तो मर्दों की गालियां भी मुकम्मल नहीं होती, तो जिंदगी क्या खास मुकम्मल होगी। नंबर 28, जब एक प्रेमिका तुमसे मिलने अपने घर से निकलती है तो बहुत कुछ दांव पर लगाती है, जिसमें सबसे अहम है चरित्र। नंबर 29, एक मर्द अपनी लापरवाही और उसे इग्नोर करके ही अपनी मोहब्बत को खोता है और दुनिया कहती है लड़कियां बेवफा होती है। एक सच्ची लड़की को वक्त और प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता, और वह भी ना मिले तो वह मजबूर होकर उस रिश्ते से दूर हो जाती है। नंबर 30, कलयुग है करेला बनो, मिठाई बनोगे तो मिट जाओगे। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूले। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे कशिश रियल वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।